मैटर है। आज जो बातें हम करेंगे बजट थियरी एंड करंट, लेकिन उसमें पर्टिकुलर ये वाली स्कीम वो वाली स्कीम उसको छोड़ के बाकी बजट थियरी एंड करंट देखेंगे। पैरेलल टू दैट उसके रेलेवेंट जो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स हैं पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड उसकी बात करेंगे। 14 फाइनेंस कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया तो वो पूरा रिपोर्ट डिटेल में आज पढ़ेंगे, और समय बचा तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी आज करेंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में वो बात करेंगे। बजट, बजट कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये याद इसलिए रखना है पहले पूछा 2010 की एमसीक्यू। देखिए बजट जो होता है वो अगले साल के लिए होता है, यहाँ पे लिखा है 2015-16, मतलब 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक। पैरेलल टू दैट एक और चीज भी आती है इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का होता है 2014 से लेके 15, मतलब 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक अपनी इकोनॉमी का क्या हाल था, उससे पहले भी क्या हाल था, और आगे अब क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट्स अपने को लगते हैं, ये सारा मैटर कवर होता है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? इसका भी बेसिक ड्राफ्टिंग वगैरह काम तो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, लेकिन जो भी स्टैटिस्टिकल डेटाबेस वगैरह इनपुट प्रोवाइड करना है इट विल बी डन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, और सीएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत। एमसीक्यू में यहाँ परेशान कर, खैर तो ड्राफ्टिंग बेसिक यहाँ से होता है, उसके ऊपर निगरानी करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये है अपने है अरविंद सुब्रमण्यम। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनेगा तो फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्टर खुद उसको देखेंगे, उसके अंदर जो माइनर एडिटिंग वगैरह करके फिर पार्लियामेंट में उसको पेश किया जाएगा। तो ज्यादातर ये होता है कि सबसे पहले आएगा रेलवे बजट, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, और उसके बाद जनरल बजट। इस साल का ये जो सर्वे है उसका थीम है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी, ये इसका थीम है। एमसीक्यू में ऐसा पूछते हैं दो चार थीम में से कौन, खैर तो इस बार के सर्वे में नया क्या है? अब तक जो सर्वे आते थे तो सिस्टम ये रहता था कि उसमें 13 चैप्टर हो और चैप्टर नंबर 14 विल बी स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स, तो मतलब कुल मिला के 14 चैप्टर में बात खत्म। लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम को कुछ और नया आइडिया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वो अपना एक रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और उसको पब्लिश करते हैं दो वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो उसकी देखा देखी में हम भी आज से ये 14 चैप्टर नहीं दो वॉल्यूम में करेंगे। वॉल्यूम 1 के अंदर बात करेंगे फ्यूचर आउटलुक के बारे में, और वॉल्यूम 2 के अंदर कि पिछले सालों में क्या डेटा रहा और अब तक क्या प्रेजेंट सिनेरियो है उसकी बात करेंगे। तो मतलब आप जब भी पढ़ेंगे तो कैसे, सबसे पहले वॉल्यूम 2 पढ़ो कि पहले क्या सिचुएशन थी, अभी क्या समस्याएं हैं, और उसके बाद वॉल्यूम 1 पढ़ो रेलेवेंट चैप्टर की फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या सुधार की आवश्यकता है। यहां पर भी अपना 7 पिलर अप्रोच, पिलर 1 जो NCERT सेल्फ स्टडी आप देखेंगे, पिलर 2 में हमने बात कर ली बैंकिंग फाइनेंस थियरी और ज्यादातर करंट अफेयर्स। अब सर्वे में से जो देखना है तो रेलेवेंट चैप्टर्स आप देखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम 2 और उसका चैप्टर नंबर 3, मतलब पास्ट में क्या सिनेरियो था, समस्या, वो सारी बात वो करेगा, और उसके बाद वॉल्यूम 1 और उसका चैप्टर 5 कि अब फ्यूचर में बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या करना चाहिए। सेम वे बाकी के टॉपिक्स में भी उसी प्रकार, पहले वॉल्यूम 1 2 का चैप्टर देखो और उसके बाद वॉल्यूम 1। पैरेलल टू दैट जो भी बजट के अंदर नई बातें आई, फॉर एग्जांपल हमने पहले उर्जित पटेल की बात करी थी बैंकिंग फाइनेंस में, और वही बात बजट में जेटली ने रिपीट की कि हाँ इन्फ्लेशन 6% पे टारगेट करेंगे और एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाएगी जो ये तय करे रिपो रेट वगैरह क्या होना चाहिए। तो मतलब सर्वे में जो बात है पैरेलल बजट में जो बात है वो सारी देखिए बैंकिंग फाइनेंस में, इस प्रकार से पिलर में तैयारी करेंगे तो दिमाग में बड़ा पिक्चर क्रिएट होगा। फिर अपनी ये फिजल पॉलिसी बजट रिलेटेड तो उसमें कौन कौन से चैप्टर देखने हैं मैंने यहाँ पे नोट किया, और ये तो आज ज्यादातर बात हम कवर कर लेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में तो यहाँ वॉल्यूम 2 और उसका चैप्टर 4, पैरेलल सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के अलग से चैप्टर, वहां भी थोड़ी थोड़ी इंटरनेशनल ट्रेड की बात आपको मिल जाएगी। यहाँ पे नया बजट के अंदर जो बातें की गई कि FDI और FII उसके बीच जो अंतर है वो पूरा निकाल दे एक नई चीज और कंपोजिट कैप्स फिट करेंगे, और सोने के प्रति जो लोगों का मोह है तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाएंगे, और बातें मतलब सर्वे और बजट पैरेलल। फिर अपने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो पूरी इकोनॉमी का आउटलुक देखना हो कि हर एक सेक्टर में कितना GDP ग्रोथ हो रहा है, ओवरऑल क्या GDP ग्रोथ है, हर एक सेक्टर में कितने लोगों को नौकरी मिली है, ये वो बात है। तो दोनों ही वॉल्यूम के आउटलुक वाले मतलब फर्स्ट चैप्टर, वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर, वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर ये आप देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर उसके रेलेवेंट चैप्टर्स मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। यहाँ पे बजट में नया क्या लाए, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको मदद करने के लिए मुद्रा बैंक लाएंगे,
फिर एक सेतु स्कीम कही है और अटल इनोवेशन फंड और बाकी बहुत सारी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ चलता है क्लाइमेट चेंज का टॉपिक, तो उसके कौन से चैप्टर देखने हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक बजट में बात की गई अमृत महोत्सव के नाम पे, जब अपनी आजादी के 75 ईयर सेलिब्रेट करेंगे तो हर एक जगह इंटरनेट कनेक्शन, रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी बातें, सर्वे प्लस बजट। उसी प्रकार लास्ट पिलर अपना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये वाले चैप्टर्स, और एक चीज पे जो बहुत फोकस कर रहे हैं जेम ट्रिनिटी, जनधन, आधार, मोबाइल, इनकी मदद से ये सारी समस्या इनकी कैसे हम करेंगे और विकास कैसे लाएंगे, ये बातें चल रही हैं। पैरेलल यहाँ पे भी बजट में बहुत सारी स्कीम वगैरह लाए गए कि योग है तो उसे चैरिटेबल एक्टिविटी बना देंगे, फिर ये विद्यालक्ष्मी योजना, ये वो करके। खैर ये तो माहौल बनाने के लिए कि सर्वे में इतना है, पैरेलल बजट में इतना है, इस हिसाब से आप सेगमेंट में तैयारी करिए। वैसे तो लेक्चर में ज्यादातर टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूंगा, पैरेलल उसके आर्टिकल भी पब्लिश होते रहेंगे दूसरी साइट्स पे भी, मैगजीन्स पे भी, कोचिंग मटेरियल, वो सब चलता रहेगा। बट फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप बजट की स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे वो खुद भी पढ़िए। कारण है कि ये जो रेडीमेड नोट्स वगैरह जो बनती है, दे आर ओनली सप्लीमेंट्स। जो भी ऐसी नोट वगैरह बना के आपको दे रहा है, तो हर एक राइटर अपना इंटरप्रिटेशन लगाता है कि इसमें ओरिजिनल रिपोर्ट में कितना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले सर्वे में एक स्टिंग ऑपरेशन और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के बारे में कुछ बातें की गई थी, मैंने वो देखा भी था, बट मुझे लगा ये कोई परीक्षा के लिए बहुत काम का मुद्दा नहीं, तो मैंने जब पिछले सर्वे का पूरे आर्टिकल लिखे वो इट वॉज नॉट मेंशन, लेकिन मुख्य परीक्षा 2014 के अंदर ये स्टिंग ऑपरेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये सवाल निकला। तो यही कारण है कि आप खुद भी पढ़िए, क्योंकि जो भी राइटर कुछ भी करेगा वो उसका इंटरप्रिटेशन है, ये पढ़ना चाहिए ये नहीं पढ़ना चाहिए। सेकंडली, जो भी राइटर काम करते हैं कई बार टाइपिंग में मिस्टेक आ जाती है, कई बार उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक होती है, फैक्चुअल एरर्स क्रीप इन। इकोनॉमिक सर्वे से काम की बात बना के अपने आर्टिकल लिख दिए, लेकिन कई बार सर्वे के अंदर से डायरेक्टली स्टेटमेंट्स उठा के अजर्शन एंड रीजनिंग टाइप के सवाल बनाए जाते हैं, तो आपने नोट पढ़ा होगा बट ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं पढ़ा होगा, तो उसे सॉल्व करना काफी कठिन हो जाता है। मुख्य परीक्षा और ऐसे के अंदर भी कई सारे स्टेटमेंट, स्कीम्स, उसके लिफ्ट करके सवाल निकाले जाते हैं, कई बार वीक क्वेश्चन निकाले जाते हैं, और उसके लिए जो फॉर्डर मटेरियल चाहिए, यहाँ वहां से थोड़े थोड़े पॉइंट जमा करके जो जवाब बनाने हैं, ये सारे भी कहाँ से मिलेंगे, आपको सर्वे में से मिल जाएंगे। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आप हिंदी या गुजराती में मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी चाहिए, इंग्लिश में भी पढ़िए सर्वे, और पैरेलल हिंदी में देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगी। तो मतलब इन्हीं कारणों से जो रेडीमेड नोट्स वगैरह है, मेरी भी साइट पे, दूसरों की भी, और जो भी चल रहा है, दे आर ओनली सप्लीमेंट्स लाइक बॉनविटा, वो लंच और डिनर आपका नहीं बन सकता है, उसके लिए तो हिंदू सर्वे ये खुद ही पढ़ते रहना चाहिए। खैर अब आज की बात शुरू करते हैं। फिजल पॉलिसी 2015, तो उसके अंदर बजट, जिसमें स्कीम्स वाली बातें जब वो सेक्टर पढ़ेंगे तब, अभी स्कीम में हम जाएंगे नहीं, उसके अलावा जो थियरी करंट देखना है उसके रिलेटेड, पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स, 14th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बजट की थियरी ज्यादातर आप सेल्फ स्टडी लक्ष्मीकांत से देख लीजिएगा कि पार्लियामेंट में बजट मेकिंग का प्रोसेस क्या है, यूनियन और स्टेट लिस्ट के अंदर जो टैक्स के मैटर्स हैं, ये वाले ये टैक्स देंगे, वो ये टैक्स देंगे, पीछे वो देख लीजिएगा यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन मेरे ख्याल से फेडरलिज्म चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। फिर ये सीएजी है, फाइनेंस कमीशन, फिर पार्लियामेंट की अलग अलग कमेटी जो ये रिपोर्ट वगैरह देखती है, पंचायती राज संस्थानों में भी उनको पैसा देने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो उनकी थियरी, इन शॉर्ट वो सारे मैटर आप सेल्फ स्टडी में देख लीजिएगा। आज तो बस थोड़ी बात करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बजट जो पेश किया जाता है तो वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है, तीन चीजें रखते हैं। तीन चीजें इसलिए रखते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट आर्टिकल 112 ये बोलता है कि हर एक साल प्रेसिडेंट द्वारा पार्लियामेंट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण पत्रक ऐसा कुछ रखेंगे कि पिछले सालों में इतनी आमदनी हुई, इतना खर्चा हुआ, और फ्यूचर में अपना ये प्लान है। तो इस कारण से एक डॉक्यूमेंट ये रखना पड़ेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 मुजब। सेकंड 265 आर्टिकल ये बोलता है कि सरकार ने कोई भी टैक्स लेना होगा तो पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही। अब पार्लियामेंट की मंजूरी आप कैसे लोगे, वहां पे कोई बिल रखोगे और वो बिल पास कर देंगे तो फिर उस हिसाब से आप टैक्स लेंगे, तो एक फाइनेंस बिल रखा जाता है, तो ये अपना हुआ सेकंड डॉक्यूमेंट। और थर्ड थिंग आर्टिकल 266 ये बोलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI में से जितना भी पैसा अगर सरकार को खर्च करना है तो पार्लियामेंट की वापस अनुमति चाहिए, तो इसके लिए भी अलग से एक अप्रोप्रिएशन बिल रखो, तो ये अपना तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया।
सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी अलग अलग से ऐसे प्रोविजंस हैं। मतलब बजट एक चीज नहीं है, वहां पे तीन चीजें हैं, और तीनों में ये अगर कंसोलिडेटेड फंड तो उसकी थोड़ी थियरी देख लेते हैं। सरकार के पास जो भी पैसा आ रहा है तीन खोखों में या तीन फंड में बटा हुआ है, एक है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है पब्लिक अकाउंट और तीसरा है कंटिंजेंसी फंड। एक एक करके देखते हैं। कंसोलिडेटेड फंड तो सरकार इसमें कौन सा पैसा रखती है, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में जितना रेवेन्यू आया सारा इस खोखे में रखेंगे। सरकार ने जो भी लोन में पैसा लिया है बाहर से वो सारा पैसा प्रिंसिपल मुद्दल यहाँ पे रखा जाएगा। सरकार ने नीचे किसी को लोन में पैसा दिया होगा, राज्य सरकारों को, निगमों को, विदेशी सरकारों को, तो वहां से जो ब्याज मिलेगा, जो मुद्दल वापस आएगा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल, वो भी सारा यहीं पे रखा जाएगा। तो ये सारा माल यहाँ पे रखेंगे, और इस फंड में से अगर खर्चा करना हो तो पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। यस, क्यों, वो हमने देखा 266 नंबर। सेकंड इज पब्लिक अकाउंट, ये कि टेम्पररी कुछ पैसा आया और फिर कहीं और चला जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, सरकार जब अपने शेयर निगमों में से बेच देगी, डिस इन्वेस्टमेंट करेगी, तो जो पैसा आएगा प्रोसीड ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट इट विल गो टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF, और यहां से फिर कुछ पहले ये करते थे कि मनरेगा और दूसरी सरकारी स्कीमों में कुछ पैसा लगाएंगे, लॉस मेकिंग और सिख पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनका रिवाइवल के लिए कुछ पैसा भेजेंगे। अब नया ये किया है कि बैंक कैपिटलाइजेशन में पैसा डालेंगे, ये वो, मतलब टेम्पररी कुछ पैसा है और फिर कहीं चला जाने वाला है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इट इज पार्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट अंडर आर्टिकल 266। सेम वे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिंजेंसी फंड, जो कि अब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF के साथ मर्ज कर दिया, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो पैसा रखा है इट इज पार्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट। स्मॉल सेविंग में जो पैसा आता है, प्रारंभिक शिक्षा कोष में जो एजुकेशन सेस के नाम पे पैसा कलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे रखते हैं। मनरेगा फंड है, डिफेंस फंड, स्टेट प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस, मनी ऑर्डर, टेम्पररी जो भी ये पैसा है कहाँ जाएगा, पब्लिक अकाउंट में। और यहाँ से पैसा खर्च करने के लिए क्या सरकार ने पार्लियामेंट की अनुमति लेनी है, जवाब है ना। थर्ड कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी मतलब अनफोर्सिन एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंसेस, फायर फाइटिंग के लिए कुछ पैसा चाहिए, ये फंड रहता है प्रेसिडेंट के अंतर्गत। प्रेसिडेंट के पास है तो ऐसा भी नहीं कि प्रणब मुखर्जी रोज चेकबुक लेके घूमते हैं। ऑपरेट करता है कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो तो केवल साइन ही करेंगे। इसमें कितना पैसा है, इंडिया ईयरबुक 2011 में ये बोला गया था 500 करोड़ रुपए इसमें पड़े हैं, लेटेस्ट क्या फिगर है मुझे मिला नहीं, बट 500 करोड़ या उससे ज्यादा होंगे। इसके लिए क्या पार्लियामेंट की अनुमति चाहिए, नहीं, लेकिन जब खर्चा किया हो तो रिपोर्ट के रूप में वो रखेंगे, बट पार्लियामेंट की अनुमति नहीं चाहिए यहां से पैसा खर्च करने के लिए। खैर, अब दो बातें करेंगे, वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। इंटरिम बजट पिछले साल आया था, लेकिन यूपीएससी की कई बार ये होता है कि जिस साल जो घटना बने तब उसका सवाल नहीं निकलता, एक दो साल बाद प्रीलिम या मुख्य परीक्षा में कुछ पूछ लेते हैं, तो थोड़ी थियरी डिफरेंस हमको पता होना चाहिए कि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 उसमें से पैसा खर्चा करना हो तो सरकार ने पार्लियामेंट की अनुमति लेनी होगी भैया, अप्रोप्रिएशन बिल। लेकिन एक समस्या है, बजट तो जेटली पेश करेंगे फेब्रुआरी मंथ में, फिर उसके बाद उसका ऊपर जनरल डिस्कशन, फिर वोटिंग वगैरह होगा, तो ये पूरा अप्रोप्रिएशन पास होते होते अप्रैल महीना आ जाएगा, तो ये फेब्रुआरी एंड से लेके अप्रैल के बीच में खर्चा करना पड़ेगा, तो पैसा कहां से लाओगे, टेम्पररी क्या करोगे आप, तो उसका जवाब आता है वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। अब दोनों के बीच क्या फर्क है हम देख लें। वोट ऑन अकाउंट क्या है, हर एक साल पेश किया जाता है, इसकी मदद से पार्लियामेंट सरकार को अनुमति दे दिया, ठीक है आप इतना पैसा आप खर्चा करो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फेब्रुआरी और अप्रैल के बीच ये जो अप्रोप्रिएशन बिल पास होने में समय लगता है, तो बीच में सरकार को पैसा चाहिए, इट इज गिवन थ्रू वोट ऑन अकाउंट। पैरेलल टू दैट इंटरिम बजट, ये क्या है, ये हर साल पेश नहीं किया जाता, केवल इलेक्शन ईयर और कोई एक्सट्रीम सिचुएशन बन रही हो जब सरकार ने जाना हो तब, क्योंकि जब इलेक्शन आ रहा है तो जरूरी नहीं कि पिछली सरकार दोबारा चयनित होकर आ जाए, तो मतलब ऐसी जो सरकार है उसके पास ये मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती कि आप कोई बड़ी स्कीम अनाउंस कर लो, टैक्स रेट के अंदर कोई बड़े डिफरेंसेस या नई अनाउंसमेंट आप कर दो, ये इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं, तो सोच के ही वो लोग जो बजट पेश करते हैं वो बहुत ही ट्रिम करके, उसके अंदर टैक्सेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं करते, बहुत बड़ी स्कीम का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता, उस टाइप का जो बजट रहता है उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। आगे बात वोट ऑन अकाउंट, तो ये केवल खर्चा करने के लिए ही सरकार पूरी पार्लियामेंट से अनुमति लेती है, जहां तक इंटरिम बजट है तो ये तो केवल नाम का है, बजट में तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है कि इंटरिम बजट आप पेश करोगे, तो मतलब इंटरिम बजट के नाम पे जो पेश किया जाता है इट इज वन
फुल बजट के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखोगे आप 112 के हिसाब से, हाँ रखोगे, फाइनेंस बिल रखोगे, हाँ रखोगे, अप्रोप्रिएशन बिल भी रखोगे, और साथ ही साथ इंटरिम बजट भी पास होने में वक्त लगता है, तो उसके बीच जो पैसा चाहिए तो यहाँ पर भी वोट ऑन अकाउंट तो पेश किया जाएगा। तो आप समझ रहे हो इंटरिम बजट वो बहुत बड़ी चीज है, वोट ऑन अकाउंट उसका एक छोटा हिस्सा बन जाता है यहाँ पर। आगे बात, वोट ऑन अकाउंट की वैलिडिटी ये 2-4 महीनों तक ही, जब तक वो अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाएगा। इंटरिम बजट एज सच वो पास हो गया तो फुल ईयर की वैलिडिटी है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। लेकिन अगर मान लो सरकार बदल जाए तो जो नई सरकार आए वो चाहे तो अपना अलग से नया फुल बजट पेश कर सकती है, जैसा कि किया गया पिछले साल कि फरवरी में चिदंबरम ने इंटरिम बजट पेश किया, आगे चल के जुलाई में जेटली ने फुल बजट पेश किया। अब इंटरिम बजट जब जब इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में एक बार, फिर 2009 में प्रणब मुखर्जी ने, और फरवरी 2014 में इंटरिम बजट चिदंबरम ने। जब फुल बजट आएगा तो फाइनेंस मिनिस्टर लंबी स्पीच देंगे, वो 40 पन्नों की चलेगी। ये जो इंटरिम बजट है तो स्वाभाविक है इसमें टैक्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं किया जाएगा, बड़ी स्कीम का अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, तो ये ट्रिम डाउन होता है, इसलिए 12 से 18 पेज के अंदर ही इनकी स्पीच समरी खत्म हो जाती। 2011 की सीसेट में एक सवाल पूछा गया कि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट में क्या अंतर है। स्टेटमेंट ए, वोट ऑन अकाउंट इज यूज बाय रेगुलर गवर्नमेंट, इंटरिम बजट इज यूज बाय केयरटेकर गवर्नमेंट। स्टेटमेंट बी, वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर पार्ट, वाइल इंटरिम बजट डील्स विद बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। दोनों सही है, दोनों गलत है? क्या होना चाहिए? कुछ लोगों को सी लगता है, बी लगता, देखते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट पे आप फोकस करो, क्या बोला है कि वोट ऑन अकाउंट रेगुलर गवर्नमेंट देगी और इंटरिम बजट केयर टेकर गवर्नमेंट देगी। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए केयर टेकर गवर्नमेंट ये चीज क्या है। केयर टेकर गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जब पिछली सरकार कंटिन्यू रहे, जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं आ जाता। ऐसा कब बनता है? एक तो उनकी 5 साल की टर्म एक्सपायर हो जाए, लेकिन अभी वो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद नया पीएमसीएम चुन के आएगा, तब तक जो पुराने चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रहते हैं दैट इज केयर टेकर गवर्नमेंट। सेम वे कई बार पीएम और सीएम खुद रिजाइन कर देते हैं, लेकिन जब तक चुनाव और दूसरी मॉडलिटी खत्म हो जाए तो उनको गवर्नर बोलते हैं कि भाई आप कंटिन्यू करो, तो वो हो गई केयर टेकर गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल केजरीवाल पिछले साल जब उन्होंने रिजाइन किया था, थोड़े समय तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको बोला था कि भाई आप केयर टेकर सीएम के रूप में चालू रहिए। उसी प्रकार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर गई, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए हाँ आप देखो फिर करते हैं, पार्लियामेंट और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। वो इस प्रकार के सीन में केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है। अब आप सोचिए कि अगर पार्लियामेंट और असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो फिर आप बजट रखोगे कहाँ पे, है ना? तो मतलब कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट ही इंटरिम बजट रख सकती है और फुल रेगुलर गवर्नमेंट नहीं, ये पूरी बात जम नहीं रही है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, वोट ऑन अकाउंट इज यूज बाय रेगुलर बट इंटरिम इज बाय केयर टेकर, वो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड तो सही है, हमने अभी देखा वोट ऑन अकाउंट तो हाँ वो खर्चे के लिए, और इंटरिम तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो खर्चे की भी बात और इनकम की भी बात, टैक्स की भी बात। सो इंटरिम बजट डील्स विद बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, तो इस कारण से जवाब होगा बी। खैर बजट में जो बात कर रहे थे, 3 टाइप के डॉक्यूमेंट रहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल। 3 टाइप के फंड रहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, फिर अपना पब्लिक अकाउंट एंड कंटिंजेंसी फंड। फिर वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट के बीच क्या अंतर है हमने देखा, अभी बजट को देखते हैं कि उसके क्या पार्ट हैं। 2 पार्ट है आप सबको पता होगा, रेवेन्यू पार्ट एंड कैपिटल पार्ट। कुछ लोग रेवेन्यू पार्ट को करंट पार्ट भी बोलते हैं। आगे बात, दोनों ही खातों में कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा जाता है, तो आने वाले पैसे इनकमिंग मनी को बोलते हैं रिसिप्ट, खर्चे वाले को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। कैपिटल में भी रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर। खैर कैपिटल को इग्नोर करो अभी के लिए, फोकस करते हैं रेवेन्यू पार्ट में। रेवेन्यू पार्ट में कुछ पैसा आता है रिसिप्ट, कुछ जाता है खर्चे में एक्सपेंडिचर। जो रिसिप्ट में पैसा आता है वो 2 टाइप का रहता है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में जो टैक्स के जरिए पैसा कमाए, तो टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर। अब यहां डायरेक्ट टैक्स से हम थोड़ा थियरी में जाते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी 2 सब टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट टाइप इज कि आपकी इनकम या एक्सपेंडिचर, आय या खर्चे पे जो टैक्स लिया जाए सीधा ही। एक तो पर्सनल इनकम टैक्स आपको पता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों पे लगता है, लेकिन कुछ कंपनियां जानबूझ के वो डिडक्शन, डेप्रिसिएशन,
और फिर अपने ही संस्था की चैरिटी बना के उसमें सारा पैसा ये वो करके टैक्स को डॉज करने की कोशिश करती है। तो ऐसी जो कंपनियां टैक्स नहीं भरती हैं उन पे भी कुछ टैक्स लगाया जाता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट। तो कॉरपोरेट और उसका हिस्सा ये मैट ये कंपनियों पे लगता है, इट इज वन टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। थर्ड इंटरेस्ट टैक्स, इसको निकाल दिया है इसलिए मैंने ऑरेंज कलर में मार्क किया है। इंटरेस्ट टैक्स पहले लगाते थे, जो बैंक लोन में पैसा घुमाती है तो ब्याज का पैसा उनको कमा रहे, तो उनकी जो कमाई थी इनकम उनके लिए उस पे भी टैक्स लगाते इंटरेस्ट टैक्स, वो तो अब तो खत्म कर दिया, बट इट वाज आल्सो वन टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फिर होटल रिसिप्ट टैक्स, अभी के लिए तो सर्विस टैक्स वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है कि आपने खाना खाया, होटल मालिक को पैसा दो, सर्विस टैक्स भी आप दो, लेकिन वो जाके फिर सरकार में सर्विस टैक्स भरेगा, तो वो तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ये पुराने जमाने में होटल रिसिप्ट टैक्स में ये सिस्टम थी कि खाना आप खाओ और टैक्स भी आप बाद में जाके सरकार में भरो, देयरफॉर आपके एक्सपेंडिचर पे हो गया डायरेक्ट टैक्स, उस वक्त होटल मालिक की वो जवाबदारी नहीं थी। और एक था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो प्रणब मुखर्जी ने एबोलिश कर दिया, तो मतलब अभी जो चालू है कॉर्पोरेट इनकम कॉर्पोरेट टैक्स मैट, और जो खत्म हो गए इंटरेस्ट होटल रिसिप्ट और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। अब जरा समझ ले कि ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और सर्विस टैक्स ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हो गया। सलमान खान अपने बॉडीगार्ड शेरा को पगार देते हैं और उस पगार से शेरा कोई जिम खाना ज्वाइन करता है, तो स्वाभाविक है जिम खाना पे सर्विस टैक्स लगता है, तो शेरा ने जिम की फी दी प्लस सर्विस टैक्स दिया इस मालिक को, और ये मालिक जाके फिर सरकार में सर्विस टैक्स भरेगा, तो मतलब टैक्स निकला शेरा की जेब से लेकिन इनडायरेक्टली पहुंचा सरकार। देयरफॉर सर्विस टैक्स इज वन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स था उसमें काम कुछ अलग, कि सलमान खान ये बोले कि शेरा को मेरी बॉडीगार्ड गिरी करने के लिए जो जिमखाने में कसरत करनी पड़ती है तो मैं उसको वो सुविधा करवा के दूंगा, तो मतलब पगार के साथ वो सुविधा के रूप में सलमान खान खुद उसकी जिम सब्सक्रिप्शन फी भरते हैं। तो इस केस में सरकार ने लगाया था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कि ये शेरा को पगार के उपरांत जो फ्रिंज बेनिफिट दे रहे हो उस पे सलमान खान ने खुद पैसा टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिम लीडर जाके सरकार को टैक्स नहीं भर रहा है, द पर्सन हु इज डूइंग द एक्सपेंडिचर ही इज पेइंग द टैक्स, तो मतलब फ्रिंज बेनिफिट टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। खैर हम वापस आते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट टाइप था इनकम या एक्सपेंडिचर पे लगाते थे, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स मैट इंटरेस्ट टैक्स होटल रिसिप्ट फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये तीन तो एबोलिश कर दिए। ये समझाना इसलिए क्योंकि मॉक क्वेश्चन में अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया कि जाए कि डायरेक्ट टैक्सेस इज लेवाइड ओनली ऑन योर इनकम एंड प्रॉपर्टी, देन इट इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि एक्सपेंडिचर पे भी लगा सकते हैं, ये होटल रिसिप्ट और फ्रिंज बेनिफिट जैसे थे। तो ये फर्स्ट टाइप खत्म हुई। सेकंड टाइप, ऐसे डायरेक्ट टैक्स जो आपकी प्रॉपर्टीज एसेट्स या कैपिटल ट्रांजेक्शन पे लगाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, ये शेयर बॉन्ड डिबेंचर इनकी खरीद पे लगता है। सेकंड इज कैपिटल गेंस टैक्स, कि आपकी कैपिटल एसेट गोल्ड है घर है ये वो, उसे जब आप बेचोगे और उस पे आपको प्रॉफिट होगा गेन होगा तो उस गेन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा दैट इज कैपिटल गेंस टैक्स, तो ये भी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। फिर वेल्थ टैक्स जो कि जेटली ने एबोलिश कर लिया, बट इट वॉज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फिर बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, ये पहले कांग्रेस सरकार ऐसे लाई थी कि आप बैंक से कुछ लिमिट से ज्यादा पैसा निकालोगे तो उस पे थोड़ा टैक्स लगाएंगे, वो था बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स। एस्टेट ड्यूटी की, जब एस्टेट का मालिक मर जाए और नीचे गार्डियन वगैरह को वो प्रॉपर्टी मिले तो उस वक्त एस्टेट ड्यूटी लगाई जाती थी, वीपी सिंह ने उसको बंद करवा दिया। और एक था गिफ्ट टैक्स, उसको यशवंत सिन्हा ने बंद करवा दिया। तो मतलब प्रॉपर्टी एसेट के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगते हैं ये वाले और ऑरेंज कलर के हैं, इसको एबोलिश कर दिया है। ये ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि वेल्थ टैक्स को एबोलिश कर दिया तो फिर वो अब एमसीक्यू कोई ट्रिकी बना सकते थे, इनमें से कौन सा लगाया गया निकाल दिया गया, कौन सा एक्सपेंडिचर पे कौन सा एसेट पे, तो याद रखिएगा। यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स देख लिए, पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट के भी डायरेक्ट टैक्स अपने को पता होना चाहिए। यहां पर भी दो टाइप बनेंगे, एक तो आपकी इनकम के ऊपर जो राज्य सरकार आपसे टैक्स डायरेक्टली मांग सकती है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। सेकंड प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स में लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिमिट है कि मैक्सिमम ये लोग पूरे साल में 2500 रुपीज ही प्रोफेशनल टैक्स में मांग सकते हैं। अब आप सोचिए तो इस हिसाब से राज्यों को ज्यादा आमदनी होती नहीं है, तो अपना 14 फाइनेंस कमीशन वाईबी रेड्डी, उन्होंने ये बोला कि आप वो अमेंडमेंट करिए कॉन्स्टिट्यूशन को और ये लिमिट बढ़ाइए कि 2500 नहीं उसको बढ़ा के करो, हर साल 12000 प्रोफेशनल टैक्स में राज्य सरकार मांग सके, ऐसा उनको पावर दीजिए आगे। तो ये हुए इनकम के ऊपर कौन से लगते हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स।
सेकंडली आपकी प्रॉपर्टी पे भी राज्य सरकार डायरेक्टली टैक्स मांग सकती है, कौन से लैंड रेवेन्यू है, फिर ये स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, दस्तावेज जो कराते हैं। थर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरियाज। खैर, तो डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे थे, केंद्र सरकार के कौन से हैं, राज्य सरकार के कौन से हमने देख लिया। अब बातें करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। प्रोज की बात करें, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। कैसे कि गरीबों पे आप डायरेक्ट टैक्स मत लो, मिडिल क्लास मतलब 2.5 लाख से ज्यादा कमाते तो 10%, उससे ऊपर है तो 20%, बहुत मालदार है तो 30%, और उसके ऊपर भी फिर से सरचार्ज वगैरह लगा। तो मतलब ज्यादा मालदार पार्टी पे आप ज्यादा टैक्स लगा सकते हो और आपको पैसा मिला, तो इस हिसाब से ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। और फिर वो सारा पैसा आप वापस गरीब कल्याण योजनाओं में लगाओ तो आप इनकम इनइक्वालिटी को भी कम कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट टैक्स का फायदा है। डायरेक्ट टैक्स इज सर्टेनिटी। कैसे कि आपका इतना इनकम लेवल है तो उस पर इतना टैक्स लगेगा, और 31 मार्च से पहले यहां तक जमा कराना है, तो व्हेन एंड हाउ उसकी सर्टेनिटी है। इलास्टिसिटी भी है, कैसे 10% है उससे बढ़ा के आप 20 कर दो 30, तो तुरंत आपको फर्क कलेक्शन के अंदर दिख जाएगा। इट इज इलास्टिक, क्विक रिजल्ट्स आर शोन व्हेन इट इज रेज्ड और लोअर्ड। तो डायरेक्ट टैक्स के ये फायदे, अब नुकसान क्या है, डीमेरिट्स। फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना तो हर एक इंडिविजुअल एसएससी पे सरकार ने नजर रखनी पड़ेगी, तो ढेर सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को बिठा, उनके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, इन सबको पगार देना है, ऑफिस का खर्चा, लाइट बिल, फोन बिल, और पूरा ऑनलाइन टैक्स भरा जाएगा, तो डेटाबेस मैनेजमेंट, सर्वर कॉस्ट, ये वो तो खर्चा बहुत ज्यादा रहता है। इस कारण से बेस नैरो रखा जाता है, मतलब अभी के लिए आपको पता है कि 2.5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम हो तो 10% लगाएंगे। अब आप सोचिए कि ऐसा भी कर सकते हैं कि एकदम गरीब आदमी जो पूरे साल में 10,000 कमा रहा है तो उस पर भी मान लो कि एकदम छोटा सा भी टैक्स लगा दो 1 रुपए का, तो ढेर सारा पैसा सरकार को मिल सकता है। लेकिन उसके सामने फिर खर्चा बहुत ज्यादा दिखेगा, क्योंकि हर एक आदमी पर सुपरविजन करने के लिए आपने कितना स्टाफ लगाना पड़ेगा, देयरफॉर उसका खर्चा इतना बढ़ जाता है। इस कारण से सरकार बहुत कम लोगों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाती है, एक लिमिट से नीचे फिर गरीबों पे वो लगा नहीं सकते। सो बेस इज नैरो। थर्ड, एक्सटर्नैलिटी इज नॉट काउंटेड। एक्सटर्नैलिटी का मतलब ये है, दो पार्टी आपस में कुछ ट्रांजैक्शन करे और तीसरी पार्टी को उसके कारण जो भी अच्छा या बुरा हो, दैट इज एक्सटर्नैलिटी। डायरेक्ट टैक्स एक्सटर्नैलिटी को फैक्टर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा वो सारण के अंदर नैनो का प्लांट लगाते हैं, उस पर उनको मुनाफा होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स बनेंगे बराबर। लेकिन पैरेलल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी बहुत सारी जनरेट होगी कि बाहर जो चाय की किटली वाले उनको काम मिल गया, ये रिक्शो वगैरह चलाते हैं, मकान भाड़े पे देने वाले लोग, तो बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली उनको भी जो इस डील के अंदर कंपनी और जो जमीन के मालिक थे या फिर कंपनी और उसके वर्कर थे, उसके बाहर के लोगों को भी पॉजिटिव बहुत सारे फायदे दिखते हैं। तो ये रतन टाटा अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ चलो। लेकिन सामने एक फिल्म स्टार है जो कि कोई सिगरेट वगैरह गुटखा का प्रमोशन कर रहा है और उसको भी ढेर सारा पैसा मिल रहा है, तो रतन टाटा पे भी आप 30% टैक्स लगा रहे हैं, उस फिल्म स्टार पे भी जो कि गलत मैसेज दे रहा है, और उसके कारण जितने भी लोग गुटखा और तंबाकू का सेवन शुरू कर दे, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जनरेट कर रहा है आदमी, फिर भी उस पर भी आप 30% टैक्स लगा रहे हो। तो डायरेक्ट टैक्स एक्सटर्नैलिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, हार्डशिप को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक वो सुथार कारपेंटर दिन रात करवट चला के मजदूरी करके मान लो वो 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहा है, उस पर आप कितना लोगे टैक्स, 10%। और सामने कोई सेठ है, वो कुछ भी काम नहीं करता, बस वो उसके परदादा मकान छोड़ के गए थे, उसको भाड़े पे दे दिया और बस वो आराम करता है, टीवी देखता है, उसका भी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है, आप उस पर कितना लोगे, 10%। तो मतलब एथिक्स या मॉरलिटी क्या कहेगी, ये कारपेंटर इतनी मजदूरी कर रहा है, इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा है, तो उस पर थोड़ा टैक्स कम होना चाहिए कम्पेयर टू दैट लैंडलॉर्ड। तो ये हार्डशिप डायरेक्ट टैक्स काउंट नहीं करता है। और नुकसान, डायरेक्ट टैक्स एक हद से आप ज्यादा बढ़ा देंगे तो फिर लोगों में काम करने की जो उत्सुकता है वो कम होती जाएगी, खास करके जो मिड लेवल पे है, फिर वो ये सोचेंगे कि मैं और मजदूरी करूंगा तो मेरा 1/3 तो वैसे भी टैक्स में चला जाएगा, तो कौन काम करे। इस कारण से फिर अगर एक्सपांशन नहीं होगा बिजनेस का तो नौकरियां कम जनरेट होगी, तो अगर डायरेक्ट टैक्स को एक हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो नुकसान करेगा। सेम वे हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन वर्कर, वो भी भारत में आने से कतराएंगे। दूसरी बात, जो भी आपको पैसा इनकम आपकी हो रही है उसमें से आप टैक्स भरोगे, लेकिन सरकार साथ ही साथ ये भी चाहती है कि आप अपना कुछ पैसा सेव करो ताकि वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के मार्फत बिजनेस हाउसेस वगैरह को मिले और बिजनेस एक्सपेंशन हो, नई नौकरियां खड़ी हो। तो इस कारण से सरकार डायरेक्ट टैक्स पे बहुत सारे टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह देती है, लेकिन इनका फायदा उठा के फिर लोग बहुत सारा टैक्स अवॉइड कर लेते हैं,
लिटिगेशन बढ़ता है, लूपहोल्स का फायदा उठाया जाता है, तो ये भी सारे उसके नुकसान है। खैर, अब डायरेक्ट टैक्स तो बराबर है, हमने उसकी थियरी देख ली कि यूनियन और स्टेट के क्या थे, फायदे नुकसान क्या समझ लिए। अब आते हैं कि 2015 के बजट में ये डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड क्या प्रोविजंस किए गए। इनकम टैक्स से शुरुआत करते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर स्लैब में कोई फर्क नहीं किया, मतलब पहले जो चल रहा था ऑर्डिनरी टैक्स पेयर के लिए कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है अप टू 5 लाख रुपीज तो भरोगे 10%, 5 लाख से ज्यादा है अप टू 10 लाख तो 20% और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। और फिर एल्डरली सीनियर सिटीजन को जो फायदे दिए जाते हैं जस खाता से। एक नई बात ये लाए कि जो लोग उनकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति या कंपनियां, उस पर 12% सरचार्ज लगाएंगे एक बार। और पहले भी ये आपके इनकम टैक्स पे 3% एजुकेशनल सेस लगता था, वो पहले भी लगता है, आज भी लगता रहेगा। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि अब सरकार ऐसा सोच रही है कि वो एक्साइज और सर्विस में से एजुकेशनल सेस निकाल देंगे, तो फिर टीकी एमसीक्यू बनाने के लिए कि डायरेक्ट पे लगेगा तो हाँ लगेगा, वहां पे नहीं लगेगा, वो आगे बात करें। अब सवाल होता है सेस और सरचार्ज में क्या अंतर है। आपको इनकम टैक्स भरना है तो कैसे भरोगे, सबसे पहले तो सारी ग्रॉस इनकम निकालो, सारे सोर्स से आपको जितना पैसा है सारा वो ऐड करो तो आपको मिलेगी अपनी ग्रॉस इनकम। अब इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं भरना है, सबसे पहले ये जो जितना माल आया उसके अंदर से डिडक्शन और एग्जेम्पशन के नाम पे कुछ पैसा आप माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सोर्स से आपको इनकम आई तो उस पर केंद्र सरकार इनकम टैक्स नहीं मांग सकती, वो तो राज्य सरकार, तो मतलब इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करना है तो उतने लाख इतने हजार आप माइनस कर दोगे। उसी प्रकार चैरिटी में आपने जो पैसा दिया वो सारा निकाल दो, दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस पेंशन प्लान उसमें जितना डिडक्शन दिया गया उस हिसाब से आप लिमिट्स में निकालते रहो, तो मतलब जो ग्रॉस इनकम है उसके अंदर से डिडक्शन एग्जेम्पशन आप निकालेंगे। और ये डिडक्शन एग्जेम्पशन वगैरह क्यों दिए जाते हैं, मैंने जो पहले भी बताया, ताकि जनता थोड़ा पैसा और सेव करे और वो फिर कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में बिजनेसमैन को मिले और ताकि बिजनेस एक्सपांड हो, जॉब एक्सपांड हो वगैरह। तो ये सेविंग्स इनकरेज करने के लिए सरकार ने टैक्स डिडक्शन में कुछ नए फायदे, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस पहले 15,000 तक की लिमिट थी, बढ़ा के 25 कर दी। फिजिकल डिसेबल के लिए एनपीएस पहले 1 लाख था, 1.5 लाख कर दिया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ा दिया, ये वो। खैर ये यूपीएससी के लिए इतना काम का नहीं है। मैक्सिमम अगर याद रखना हो तो सरकार एक स्कीम लाई थी सुकन्या समृद्धि योजना, उसके अंतर्गत आपकी मतलब अराउंड 10 ईयर्स की बेटी हो तो उसके नाम पे आपने बैंक में खाता खोला और उसमें आप पैसा जमा करते रहो और फिर जब वो मैच्योर हो जाए तो वो उसको पैसा मिलेगा प्रिंसिपल इंटरेस्ट। तो जब उसको वो पैसा मिलेगा प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट तो उसने उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ऐसी बात की गई। फिर वरिष्ठ बीमा योजना थी तो उस पर हम सर्विस टैक्स नहीं लगाएंगे, वो इनडायरेक्ट में हम बात करें। खैर ये सारा मतलब प्रावधान करने का आशय ये है ताकि जनता पहले से ज्यादा पैसा सेव करे, सोशल सिक्योरिटी में खुद ही पैसा इन्वेस्ट करती रहे ताकि उनके साथ अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो दे आर प्रोटेक्टेड। टोटल मिला के जो ये डिडक्शन दिए गए नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, अराउंड 4,44,200 रुपीज यूपीएससी के लिए काम का नहीं, वो आरबीआई असिस्टेंट और बैंक क्लर्क के एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि टोटल कितना मिलता है तो इतना। इसके अलावा अगर आप चंदे में कुछ पैसा दे दोगे तो डिडक्शन उस पर 100% माफी। ऐसे कौन कौन से स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छता अभियान के लिए, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसमें आपने जो भी चंदा दे दिया तो आप टैक्सेबल इनकम में ग्रॉस इनकम में से वो पूरा निकाल दीजिए। सेम वे क्लीन गंगा फंड, ये भी कौन ऑपरेट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक ट्रस्ट बना के वो ऑपरेट कर रहे हैं। फिर ये ड्रग अब्यूज कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल फंड बनाया गया है तो वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑपरेट करे। तो ये सारे यहाँ पे आपने चंदे में पैसा दिया तो ग्रॉस इनकम में से आप निकाल दोगे। वापस आते हैं ग्रॉस इनकम, उसके अंदर ये डिडक्शन एग्जेम्पशन ये आपने निकाल दिए। फिर जो आपके पास पैसा बचा 2.5 लाख बचा, 10 लाख बचा, वो सारी आपकी क्या हुई, टैक्सेबल इनकम। और उसके फिर ये स्लैब्स हम काउंट करेंगे 10%, 20%, 30%, वो 2.5, 5, 10 के हिसाब से। अब ये जो टैक्सेबल इनकम उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वहां पर जाके आपने सरचार्ज फिर पहले भरना है और बाद में सेस भरना है, ये हम समझ लें। मान लो किसी व्यक्ति ने टैक्स के रूप में सरकार को 1 लाख रुपए देने हैं और सरकार ने ये बोला कि इस पे हम 12% सरचार्ज देंगे, तो मतलब 1 लाख तो देने हैं प्लस उसके 12% 12,000, 1,12,000 आपने देने हैं, तो ये रहा सरचार्ज का कंसेप्ट। सेस इसके ऊपर लगेगा, मतलब टैक्स में जितना पैसा देना है और सरचार्ज पे जितना पैसा देना है दोनों को ऐड करो और उसके ऊपर सेस लगता है। एजुकेशन सेस की बात करें तो उसमें 2% एजुकेशन सेस पर्टिकुलरली फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड 1% सेस फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन।
तो 2+1 करोगे जवाब मिलेगा 3% एजुकेशन सेस। ये किस पे लगेगा? 1,12,000 पे, और उस पे आप निकालोगे तो 3,360। समझने का ये है, सरचार्ज पहले लगता है और फिर जो बड़ी रकम बनी उसके ऊपर लगता है सेस। इस केस में टोटल आप निकालोगे तो टैक्स में बनना है 1,00,000, उसके ऊपर सरचार्ज में बनना है 12,000 और फिर सेस में बनना है 3,360, तो कुल मिला के 1,15,360। और क्या अंतर है सरचार्ज और सेस के बीच? सरचार्ज के कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, बस सरकार ने बोला इतना हम लगाएंगे। आर्टिकल 271 के मुताबिक ये पूरा पैसा चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब फिर यहां से खर्चा करना हो तो पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। सेस की बात करें हम तो वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोल के लेते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेस बोला है और हायर एजुकेशन में 2% कुल मिला के 3%, तो वो सारा पैसा जाएगा प्रारंभिक शिक्षा कोष में और ये पार्ट है पब्लिक अकाउंट का, तो मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट की अनुमति नहीं चाहिए। ये प्रारंभिक शिक्षा कोष है, सरकार चाहे उस हिसाब से सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, यहाँ पे वो पैसा खर्च कर सकती है। और दोनों ही केस में जहां तक केंद्र सरकार के टैक्स है उन्होंने राज्य सरकारों के साथ शेयर करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन बाय फाइनेंस कमीशन। लेकिन ये सरचार्ज और सेस में जो केंद्र सरकार पैसा कमाती है इट डज नॉट हैव टू बी शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। फाइनेंस कमीशन उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन दे नहीं सकता है। डायरेक्ट टैक्स और उसके अंदर इनकम टैक्स में 2015 में क्या बातें की गई हमने देखा। कुछ और डायरेक्ट टैक्स की बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स जो देसी कंपनियों पे लगता है अभी के लिए वो अनचेंज रखा 30%। लेकिन जेटली ने ये भी बोला है कि हमारा ये रेट बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू अदर एशियन इकोनॉमीज और अगर मेक इन इंडिया और उसको प्रमोट करना है तो इसको जरा कम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि अगले 4 सालों में धीरे धीरे कम करके ये 30% से मैं ला दूंगा 25%। तो ये एक बात हुई। विदेशी कंपनियों पे जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है इट इज 40% अनचेंज। फिर जो कंपनियां टैक्स नहीं भरने के लिए यहाँ वहां जो डिडक्शन एग्जेम्पशन डेप्रिसिएशन डोनेशन वगैरह करती हैं, तो ऐसी जीरो टैक्स कंपनियों पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाएंगे 80.5% बुक प्रॉफिट पे, ये भी अनचेंज है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ये शेयर बॉन्ड डिबेंचर वगैरह की खरीद वगैरह में चलता है, तो वो भी रेट अनचेंज, वो मेरे ख्याल से 0.001 से 0.25 के आसपास चल रहा है। उसके अलावा कोई विदेशी व्यक्ति इंडियन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर रहा है, इंडियन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? डिबेंचर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, तो ये सारी चीजों पे वो पैसा निवेश करेगा तो उसको उस पे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस पे कितना टैक्स लगाएंगे? 5%। और ये सिस्टम चालू रखेंगे अप टू 2017 ताकि एक प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहे और विदेश से यहाँ पे पैसा आता रहे। उसी प्रकार कोई पेटेंट है उसकी रॉयल्टी और टैक्स सर्विस के ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है, मतलब मैंने कोई पेटेंट निकाला था, आपने मुझे जो रॉयल्टी में पैसा देना है तो मुझे जो रॉयल्टी इनकम हुई उस पर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो पहले चल रहा था 25%, उसे कम करके करेंगे अब 10%, ताकि भारत की स्टार्टअप कंपनियां बाहर से टेक्नोलॉजी ला सके और बाहर के लोग भी कि हाँ चलो देते हैं क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टैक्स इस पे है नहीं। फिर एक था डायरेक्ट टैक्स, हमने वेल्थ टैक्स कि अगर आपकी वेल्थ 30,00,000 से ज्यादा है तो उस पे 1% वेल्थ टैक्स लगाते, लेकिन ये जेटली ने निकाल दिया। अब निकाल दिया तो क्यों निकाल दिया? वेल्थ टैक्स जो था 30,00,000 से ज्यादा की वेल्थ उस पे 1% लगाते थे, तो वेल्थ किसको बोलेंगे यहाँ पे? इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें। इंडिविजुअल पे भी लगता था, कंपनी पे भी लगता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे भी लगता था, लेकिन इसके अंदर सरकार को कोई ज्यादा माल मिल नहीं रहा था। 2013-14 की बात करें तो हार्डली 1,008 करोड़ मिले, 2014-15 का एस्टिमेट उनका है कि 950 करोड़ ही मिलेंगे, लेकिन उसके सामने कॉस्ट ऑफ कलेक्शन भी रहेगा, इतने सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने रखे, पूरा सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट, तो उस हिसाब से कोई खास फायदा इसमें दिख नहीं रहा था। सेकंडली ये 1% ना देने पड़े इसलिए लोग भी बहुत सारे लूपहोल्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, इवेजन काफी हाई था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पेपर पे उसकी वैल्यू हमेशा 30,00,000 से कम बताएंगे ताकि यहाँ पे ना देना पड़े, और उसके अंतर्गत फिर राज्यों को भी टैक्स देना पड़े, वहां पे भी वो डॉज कर लेते थे, तो टैक्स इवेजन काफी बढ़ गया था, ब्लैक मनी काफी जनरेट हो रहा था। तो इससे लड़ने के लिए जेटली ने वेल्थ टैक्स को एबोलिश कर दिया। वेल्थ टैक्स अबोलिश किया गया तो एक थियरी समझ लेते हैं कि गुड टैक्स सिस्टम किसको बोलते हैं। एडम स्मिथ ने 4 कैनन्स दिए हैं, कैनन में यहां केवल 1 एन है, मतलब सिद्धांत, डबल एन होता तो तोप। तो एडम स्मिथ ने बोला है कि 4 सिद्धांत जो टैक्स मानेगा वो रहेगा, बाकी धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। तो ये 4 कैनन एमसीक्यू के लिए रटनी पड़ेंगी। पहली कैनन है कैनन ऑफ इक्वालिटी, मतलब
कि जितनी आय हो उस हिसाब से आप पे टैक्स लगना चाहिए। तो वेल्थ टैक्स तो क्या ये प्रिंसिपल फॉलो करा है? हाँ, गरीब लोगों पे नहीं लगता था, मिडिल क्लास पे नहीं, 30 लाख से ज्यादा की वेल्थ हो तो लगता था। तो हाँ, कैनन ऑफ इक्वालिटी तो थी। सेकंड, कैनन ऑफ सर्टेनिटी कि कौन सी तारीख को कितना जमा कराना है वो भी तय था, हाँ डेडलाइन रेट्स नक्की थे। थर्ड, कैनन ऑफ कन्वीनियंस कि आधी रात को पहले तो सरकार वो राजा के सिपाही आके दरवाजा खड़े, लाओ इतना टैक्स, वो परेशानी तो थी नहीं, कन्वीनियंस था, ऑनलाइन आप भर सकते थे। लेकिन फोर्थ कैनन, कैनन ऑफ इकोनॉमी कि मतलब कि सरकार या राजा जो टैक्स ले रहा है तो टैक्स लेने का खर्चा फिर उसका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो सिस्टम आपने देखा, हार्डली 1000 करोड़ सार कलेक्टेड, लेकिन पैरेलल बहुत सारा इनकम टैक्स कलेक्शन में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डेटाबेस मैनेजमेंट उसके खर्चे में जा रहा था। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी मेंटेन नहीं हो रही थी, इस कारण से वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया। और आप, हमने जो पुरानी बात देख करी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स था या फिर बैंक का इंटरेस्ट टैक्स, होटल रिसिप्ट टैक्स, ये सारे भी धीमे धीमे क्यों अबॉलिश हुए? बिकॉज दे फेल टू फॉलो वन और मल्टीपल कैनन्स गिवन बाय एडम स्मिथ। एक्स्ट्रा में और भी बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, सिंप्लिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है, लेकिन ये चार याद रखनी है फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यूज। अब वेल्थ टैक्स चला गया तो 1000 करोड़ सरकार के चले गए, तो ये तो गलत हो रहा है, सरकार को भी स्कीम चलानी है तो पैसा थोड़ा कम आएगा। जेटली ने इसका भी जुगाड़ निकाला है कि वेल्थ टैक्स तो हमने निकाल दिया, लेकिन जो मालदार पार्टियां उसके ऊपर हम कुछ और पैसा मांगेंगे उनसे सरचार्ज के रूप में, कि कोई भी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इनकी अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, टैक्स तो वो इनकम टैक्स वगैरह तो भरते ही होंगे कॉर्पोरेट, लेकिन उसके अलावा 12% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो जेटली ने कैलकुलेशन लगाया कि इन सब पे मैं 12% सरचार्ज लगाऊंगा तो मुझे 9000 करोड़ और मिलेंगे, तो मतलब 1000 करोड़ चले गए बराबर, लेकिन 9 और आ गए, तो मुझे तो ओवरऑल फायदा ही है। सेकंडली, अगर आपकी वेल्थ मान लो इसके अंदर नहीं भी आ रही, अब तो वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो गया, लेकिन फिर भी आपने वो पूरी बातें कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, व्हीकल, ये वो सारा आईटी रिटर्न में तो लिखना ही पड़ेगा, ताकि वो ब्लैक मनी जनरेशन और बेनामी ट्रांजेक्शन ये वो उस पर वॉच रखी जा सके। और भी बातें की गई है, फॉर एग्जाम्पल कि वो 20,000 से ज्यादा कैश में नहीं ले पाओगे अगर मकान बेच रहे हो, ये वो बातें, वो जब हम अलग से स्लाइड में ब्लैक मनी और GAR उसके साथ बातें करेंगे। एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि सुपर रिच लोगों पे भारत पे कितना इफेक्टिव टैक्स लगता है। सुपर रिच किसको बोलेंगे? यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जिनकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो स्वाभाविक है उनको इनकम टैक्स के वो 30% के रेट में आएंगे। और अब जेटली ने बोला कि उस पर 12% सरचार्ज लगाएंगे, मतलब 30% प्लस 12% ऑफ दैट 30%, तो आप ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो 30 × 1.12, और उसके ऊपर 3% एजुकेशन सेस तो है ही, तो मतलब ये वाली रकम और उसके ऊपर 3% एजुकेशन, तो फाइनल रकम आपको कितनी मिलेगी? 1.03 × ये पूरी रकम। और फिर जवाब आप निकालोगे तो पता है 34.61% इफेक्टिव टैक्स रेट, तो न्यूज़पेपर में कहीं आ जाता है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है इस हिसाब से। उसके अलावा भी कॉर्पोरेट पे कुछ कि देसी कंपनियों पे इतना, फॉरेन कंपनियों पे इनकम के हिसाब से, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो ठीक, रिकैप, हमने बजट की थोड़ी थियरी समझ ली, डायरेक्ट टैक्स क्या है, उसके फायदे नुकसान देख लिए, और 2015 के बजट में उसके रिलेटेड क्या प्रावधान किए गए। एक और मुद्दा चला था डायरेक्ट टैक्स कोड, DTC। जेटली ने बोला कि हमने ज्यादातर उसकी रिकमेंडेशन यहाँ पे ही इनकॉर्पोरेट कर लिए, तो उसको लागू करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये DTC क्या था और क्यों लागू नहीं किया, अभी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ब्लैक मनी और GAR और उसके साथ में। कलेक्शन रेट की बात कर लें, कि सरकार को जो पैसा मिलता है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से टैक्स में मिलता है, सबसे कम कौन से टैक्स में मिलता है, वो MCQ में कभी कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में परेशान करते हैं। सबसे पहले बजट एस्टिमेट 2014, मतलब पिछले साल जो बजट रखा गया होगा तो उसके टैक्स रेट एप्लीकेबल थे 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 तक। तो उस वक्त सरकार ने जो बजट में रखा होगा तो वो तो केवल एक अंदाजा ही लगा सकते थे कि हमको टैक्स में एब्सोल्यूट इतना फिगर मिलेगा, तो इस हिसाब से वेल्थ टैक्स तो उनको अंदाजा था 950 करोड़। फिर ऐसी यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब दिल्ली पौंडीचेरी को छोड़ के बाकी सारी यूनियन टेरिटरी, वो भी अपने हिसाब से जो भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है वो भी सारा माल यहाँ पे आपने ऐड करना है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो पिछले बजट के एस्टिमेट में असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाना हो तो सबसे कम वेल्थ में और फिर मैक्सिमम कॉर्पोरेशन टैक्स में। अब ये तो पिछले साल की बात, फिर अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और अब
आगे चल के फेब्रुआरी तक आए तो कई लोगों ने एडवांस टैक्स वगैरह दिया होगा, इकोनॉमी के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है जेटली ने देखा होगा, तो पिछले साल का जो एस्टिमेट था उसको अब वो वापस रिवाइज करेंगे, तो उसको बोलेंगे रिवाइज एस्टिमेट, और फिर कि हाँ इतना असल में कलेक्शन हुआ या बाकी अब जो थोड़ा फेब्रुआरी से मार्च में इतना हो जाएगा और कुल मिला के अपने हाथ में कितना आएगा। तो वेल्थ टैक्स 950 ही रहा, डायरेक्ट टैक्स जो यूनियन टेरिटरी वाला था थोड़ा ज्यादा मिलेगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन उम्मीद से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन इनकम टैक्स तो उम्मीद से कम मिल रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स उम्मीद से कम मिल रहा है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को अगर मुनाफा बढ़ाना हो तो कॉर्पोरेट टैक्स में वो कम पैसा आपको टैक्स में देगी। तो जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल का कंसेप्ट आता है वो ये है कि बजट एस्टिमेट में सरकार पहले से मान के चलती है कि अपने को टैक्स में इतनी आमदनी होगी, लेकिन फिर अगले साल उसको जब रिवाइज किया जाए, रिवाइज एस्टिमेट रखा जाए, तब उनको पता चले कि उम्मीद से अपने को पैसा कम मिला है। तो जो कम मिला है वो क्या है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। एमसीक्यू में ये कि हाँ इनकम टैक्स में भी था, कॉर्पोरेट टैक्स में भी है। ये तो पिछले साल की बात, अब इस साल के अंदर बजट एस्टिमेट में बात करें तो ये रैंकिंग बनेगा। अभी आगे कंबाइन कर